सुप्रभात विद्यार्थियों, हम लोगों ने गत कक्षा के अंदर संधि प्रकरण के माध्यम से स्वर संधि के 6 भेद पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन संधि में प्रवेश किया था, तो व्यंजन संधि में हम लोगों ने व्यंजन संधि के 2 भेद जशत्वम और लत्वम पढ़ लिया था। ठीक है, जशत्वम लत्वम छत्वम अनुस्वार अनुनासिक शुचित्वम और शुतत्वम, इस प्रकार से कुछ भेद थे। हमको इसको भेद सहित नहीं याद रखना है, परंतु इनको भेदों के सहित नियम को समझेंगे तो व्यंजन संधि बड़े अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए आज उसी क्रम में हम लेंगे संधि का नोवा भेद, नोवा भेद अर्थात व्यंजन संधि का 3रा भेद। अगली बात समझ में, तो चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं क्या कहता है ये नोवा भेद, जिसका नाम है छत्वम संधि। क्या नाम है? छत्वम संधि। तो छत्वम संधि कहती है कि त वर्ग के बाद, किसके बाद? आगे जो है वो त वर्ग हो। क्या हो? त वर्ग के बाद यदि श, कौन सा श जो है वो तालव्य, तालव्य श हो, और इस श के बाद यदि कोई स्वर हो। क्या हो? कोई स्वर, स्वर का समझ रहे हो ना, कोई स्वर हो अथवा स्वर यदि ना हो तो य व र ल, इन 4 वर्णों में से कोई एक वर्ण हो तो आपकी छत्वम संधि होती है। और छत्वम संधि क्या आदेश करती है? छत्वम संधि आदेश करती है कि त के स्थान पर छ का वर्ग कर दो और श के स्थान पर छ कर दो। तो आगे बात समझ में, चलिए आइए इसको मैं आपको एक और छोटे से तरीके के माध्यम से समझाता हूँ। ये आगे त हो त वर्ग, और त के बाद श हो, और श के बाद जो है वो या तो कोई स्वर हो। क्या हो? स्वर। अगर स्वर नहीं है, है ना, यदि या तो स्वर हो, और यदि स्वर नहीं है तो य व र ल, इन 4 में से कोई एक वर्ण होगा तो वहां पर छत्वम संधि होगी। कौन सी होगी? छत्वम। और ये छत्वम कहती है कि त के स्थान पर च वर्ग कर दिया जाए, त के स्थान पर च कर दिया जाए और श के स्थान पर छ कर दिया जाए। आगे बात समझ में, ये इतना सा शॉर्ट नियम है इसका, ये इतना सा जो है वो शॉर्ट नियम हो गया कि त के बाद श होना चाहिए और श के बाद या तो कोई स्वर हो या फिर यवर लग से कोई एक वर्ण हो तो वहां पर छत्वम संधि होती है। और छत्वम संधि त के स्थान पर च आदेश करती है और श के स्थान पर छ आदेश करती है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके उदाहरणों को समझेंगे कि कौन कौन से उदाहरण इसके अंतर्गत आ रहे हैं। चलो आइए इसका उदाहरण देखते हैं कि देखिए यहां पर तत धन शिव लिखा है, तत प्लस शिव। तो देखो त आ रहा है पहले, त के बाद श आ रहा है और श के बाद व आ रहा है। क्या छत्वम का नियम लग रहा है यहां पर? तो हम देखेंगे छत्वम ने कहा था कि त हो, त के बाद श हो और श के बाद या तो कोई स्वर हो और स्वर ना हो तो यह वर्ग वर्ग से हो। तो हम देख रहे हैं कि सबसे आगे त है, नियम लगा, फिर श भी है, नियम लगा, फिर जो है व है, मतलब यहां पर छत्वम संधि का नियम लग चुका है। ठीक है, अब छत्वम ने सीधे सीधे कहा था कि त के स्थान पर छ कर देना और इस श के स्थान पर छ कर देना, यही कहा था ना कि त के स्थान पर छ कर देना और श के स्थान पर छ कर देना। चलो हम कर देते हैं, तो त छ भी अधूरा है, अब उसके बाद छ आ गया, छ में ई है और वह क्या हो गया? तत् प्लस शिवः बराबर तच्छिवः, तच्छिवः इत्यस्मिन् पदे कः संधि? छत्वम व्यंजन संधि। हम सीधे सीधे बोल सकते हैं तच्छिवः इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो आगे बात समझ में, बहुत ही सरल बात कही है। क्या कही है? कि त के बाद श हो और श के बाद क्या हो? तो बोले जो है स्वर हो, स्वर में अ ई उ रिल री ए ऐ ओ औ में
जैसा भी होगा तो चलेगा, या फिर यदि स्वर नहीं है तो यवर अलग से कोई एक वर्ण होगा तो वहां पर छत्वम संधि होगी, और छत्वम संधि श के स्थान पर क्या आदेश, त के स्थान पर छ आदेश करेगी और श के स्थान पर छ आदेश करेगी। इस प्रकार एक उदाहरण तो आपने देख लिया, एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे जो है उत प्लस सॉरी जैसे सत प्लस शीला, देखिएगा सत प्लस शीला, अब देखो यहां सत प्लस शीला, तो यहां देखो त के बाद श आ रहा है, श के बाद ल आ रहा है, त के बाद श के बाद ल, मतलब संधि कौन सी हो गई, छत्वम, और छत्वम त के स्थान पर क्या आदेश करवाती है, तो त के स्थान पर ये च आदेश करवाती है और श के स्थान पर छ आदेश करवाती है, बस हो गई संधि। और हम लोग इसको लिख लेंगे स च हो गया, अब फिर छ, छ में नी लगा दो शीला, तो सत प्लस शीला बराबर सच्छीला, सच्छीला इत्यस्मिन् पदे कः संधि, व्यंजन संधि या फिर छत्वम व्यंजन संधि। आगे बात समझ में, जो जो आपके सिलेबस में है उस संधि को हम लोग पढ़ेंगे, आगे बात समझ में। तो ये छत्वम संधि आपको उदाहरण सही और जो है वो परिभाषा सही समझ में आ गई। चलो एक उदाहरण और इसका ले लेते हैं, जैसे तत् प्लस शिला, देखो यहां पर, यहां देखो तत् प्लस शिला, अब देखो त के बाद श आ गया, श के बाद ल आ गया, त के बाद श होना चाहिए, श के बाद स्वर हो गया, फिर यवर में से कोई एक ल है, हाँ मतलब संधि हमारी छत्वम हो गई। छत्वम में हमें क्या करना है, त के स्थान पर च कर देना है और श के स्थान पर जो है छ कर देना है, ये सही कहा था संधि ने, ठीक है लिख देते हैं। त च आ रहा है, छ भी आ रहा है, लेकिन इस छ में की मिल गई तो छी हो गया और ला, तत् प्लस शिला बराबर तच्छिला, तच्छिला इत्यस्मिन् पदे कः संधि, तच्छिला इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि या छत्वम संधि। आगे बात समझ में, चलिए अब अगला भेद इसका पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया संधि में, व्यंजन संधि के भेदों में, सबसे पहले पढ़ा झषत्वम, फिर लत्वम, फिर छत्वम पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अनुस्वार। लिख लीजिए आप इसे। चलिए संधि का दसवां भेद और व्यंजन संधि का चौथा भेद क्या कह रहा है, अनुस्वार संधि, इसका नाम क्या है, अनुस्वार संधि। पहले ही बता चुका हूं इसको भेद से ध्यान नहीं रखना, केवल व्यंजन संधि याद रखो। तो ये व्यंजन संधि का चौथा भेद है और संधियों में दसवां भेद है कि शब्द के अंत में यदि मां हलंत हो, शब्द के अंत में यदि क्या हो, बोले म हलंत हो, और उसके बाद यदि व्यंजन वर्ण आ जाए, समझो यहां पर कि कोई शब्द लिखा है जैसे ग्रामम, ग्रामम, ग्रामम में अंत में क्या है, म हलंत, यानी म अधूरा हो, और उसके बाद यदि व्यंजन वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, व्यंजन वर्ण, तो क्या होगा, इस म के स्थान पर इस म को हटा दिया जाएगा और अनुस्वार कर दिया जाएगा। अनुस्वार मैंने आपको बताया था ना, जो बिंदी ऊपर की ओर लगती है उसको अनुस्वार संधि कहते हैं। यही कहेंगे परिभाषा में कि शब्द के अंत में यदि म और म के बाद व्यंजन वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। परंतु एक और चीज है, यदि म हलंत के बाद व्यंजन वर्ण है तो ही अनुस्वार होगा, और यदि म हलंत के बाद स्वर वर्ण हो, व्यंजन न होते हुए यदि स्वर हो, तो ये म हलंत का अनुस्वार कदापि नहीं होगा। अगली बात समझ में, म हलंत का हलंत ही रहेगा या फिर वो पीछे वाला जो स्वर है उस म में मिल जाएगा। अगली बात समझ में, चलिए तो क्लियर हो गई संधि। संधि केवल इतना कह रही है कि म हलंत के बाद यदि व्यंजन वर्ण आता है तो इस म हलंत के स्थान पर अनुस्वार कर देना। तो क्या हम लोग उदाहरण देखें, तो चलो आओ अब हम लोग इनके उदाहरण देखते हैं, बहुत ही सरल परिभाषा थी। चलिए तो इसका पहला उदाहरण हमने लिया धर्मम प्लस चरह। अब देखो धर्मम में अंत में क्या है, म हलंत है,
इसके बाद च क्या आ रहा है, च व्यंजन वर्ण है, तो ठीक है च व्यंजन वर्ण है तो क्या होगा कि जो है ये वर्ण का अनुस्वार हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा धर्म, ये म अनंत का हमने ये कर दिया और ये चर धर्म चर पढ़ेंगे इसको वही धर्म चर। उसके बाद जैसे सत्यम वर्ण आगे लिखा है सत्यम, सत्यम में महलत है सत्यम और उसके पीछे आ गया मध, ने बोलना सत्य बोलो, तो देखो मां के बाद क्या आ गया महलत के बाद वो आ गया, मतलब इस महलत का क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि संधि ने कहा है। ठीक है कर लेते हैं सत्यम वद, आगे बात समझ में, ये कौन सी संधि हो गया आपकी अनुस्वार संधि, बहुत ही सरल संधि है, इसमें केवल इतना सा कहा कि यदि म हलंत के बाद में, म हलंत के बाद में यदि व्यंजन वर्ण आ जाता है तो उस म हलंत का अनुस्वार हो जाएगा, और यदि स्वर वर्ण आ जाए तो फिर म हलंत ही रहेगा, पीछे जो भी स्वर है उस स्वर में मिल जाएगा, ये बात हम लोग समझ लेते हैं, बाकी इतना संधि ने नहीं कहा। आगे बात समझ में ठीक है, चलिए इसका और दूसरे को उदाहरण देखिए, जैसे हरिम वंदे, हरिम वंदे देखो इधर महालंत के बाद वह आ गया, जब वह व्यंजन वर्ण है तो महालंत का क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा, ये हरिम वंदे, और ये अनुस्वार कहां लगाया जाता है पूछो, अनुस्वार हमेशा जहां बोला जाएगा वहीं लगाया जाएगा। ठीक है जैसे धर्मम धर्मम चरा है ना, सत्यम वदा है ना, हरि वंदे, हो गई बात समझ, आगे बात समझ में। चलिए तो अब हम लोगों ने जो है आज संधि के कौन कौन से भेद पढ़े, तो व्यंजन संधि का तीसरा और चौथा और टोटल संधियों में जो है वह नौवां और दसवां भेद पढ़ा, आप लोगों ने इसको समझा उदाहरण से परिभाषा से, अब आप इसको अपनी फेयर कॉपी में व्याकरण के पोर्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है अब आप इसको पूरा अपनी व्याकरण में जैसे क्रमशः आप लोग लिखते आ रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको वर्णमाला लिखवाई, वर्णमाला के बाद में मैंने आपको फिर संधियां इस प्रारंभ करी, और संधियों में स्वर संधियों के भेद है ना, और स्वर संधियों के भेद के बाद जो है व्यंजन संधि और उनके भेद मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, तो क्रमशः आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।